खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। स्पोर्ट्समैन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसने 12वीं पास कर ली और 12वीं के बाद फिर वो स्पोर्ट्स में जब खेलता, अपनी प्रैक्टिस करता था या संघर्ष करता था, उसको अपने भविष्य की चिंता रहती थी कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं अंत पंत में तो 12वीं पास ही हूँ और मेरे को वो फिर उसमें अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर उसको कहीं कोई नौकरी के लायक भी नहीं रहता था वो। उसके बाद मान लीजिए कहीं उसे IAS के पेपर देने हो तो उसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए उसको अगर कहीं, तो इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपको क्रिकेट के अंदर डिग्री मिलेगी, फुटबॉल के अंदर डिग्री मिलेगी, हॉकी के अंदर डिग्री मिलेगी। तो एक खिलाड़ी जो है उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी, वो अपना पूरा समय उस खेल को दे सकता है और वो खेलते हुए उसको अब जब डिग्री मिलेगी, मान लीजिए ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टरेट की जो डिग्री मिलेगी, तो उस डिग्री के आधार पे जहाँ जहाँ मान लीजिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत है किसी नौकरी में, तो वो उस नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए काबिल होगा। वो जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हो तो वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे सकता है क्योंकि उसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसे अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अभी हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स जो है, जो भी खिलाड़ी हैं वो पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, या तो वो पढ़ रहा होता है बच्चा कहीं पे और पार्ट टाइम बेसिस पे अपना खेलता है, या वो कहीं नौकरी कर रहा होता है और पार्ट टाइम बेसिस पे खेलता है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो फुल टाइम बेसिस पे केवल स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा। इससे एक जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि वो स्पोर्ट्समैन को वो डिग्निटी मिल पाएगी। जैसे पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अब वो एक तरह से डिग्री ले रहा है वो यहाँ पे। उसको उसके साथ कोई वो एक जो हमारे समाज के अंदर खेलने के साथ एक तरह का वो अटैच्ड है कि भाई खेलोगे तो खराब हो जाओगे, तो वो यहाँ पे एक्चुअली कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है और कॉलेज की उसकी पढ़ाई ही उसकी फुटबॉल है, कॉलेज की उसके उसकी जो क्रिकेट है वही उसकी पढ़ाई है। ये यूनिवर्सिटी हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी तैयार करेगी, ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास कोच तैयार करेगी और इसमें बिल के अंदर इस यूनिवर्सिटी को अपने स्कूल्स भी खोलने का प्रावधान है। तो जैसे मान लीजिए 5वीं 6वीं 7वीं तक आते आते कोई बच्चा किसी खेल में प्रतिभा दिखा रहा है तो वो इस स्पोर्ट्स स्कूल्स के अंदर एडमिशन ले सकता है और उसको उस बचपन से उसको फिर ग्रूम अप करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसमें स्कूल्स भी खुलेंगे, इसमें कॉलेजेस भी खुलेंगे और इस तरह से ये एक तरह से स्पोर्ट्समैन को जो डिग्निटी की ज़रूरत होती है, जो उनको भविष्य की चिंता होती है, उसको ये दूर करेगी।